गमीज ये मेरी है। नहीं मेरे हैं, मुझे दो। कोई गलत तरीका नहीं। ये तुमने क्या किया मेरी? हमारी नीली बनाम लाल चुनौती की शुरुआत हो गई है। मैं अब और यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, एक छोटा और प्यारा सा आग बुझाने वाली मशीन। मुझे चक्कर देखना है कि इसका स्वाद कैसा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। थोड़ा और प्लीज। इस तरह से मुझे ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर मैं इसे अपने पूरे हाथ पर डालती हूँ। अब तुम्हारी बारी एम्मा, अगर तुम कहती हो तो खोलती हूँ। वाह, मुझे भी तुम्हारी तरह की चीज ही मिली है। उम्मीद है कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह तो तुम्हारे मुंह में ठीक से जा ही नहीं पा रहा है। तुम सही कह रही हो, पर फिर भी मुझे थोड़ा स्वाद मिल गया है। मुझे लगता है कि हमें साथ में मिलकर कोशिश करना चाहिए। अपना पूरा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में तुम्हारा वाला स्प्रे करूंगी। हालांकि यह शायद वैसा नहीं है जिसकी तुम उम्मीद कर रही थी। होम पार्टी शुरू हो गई है। क्या तुम बता सकती हो कि मैं फोम से ढकी हुई क्यों हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। कितनी अजीब बात है। चलो इस बार साथ में खोलते हैं। अरे हॉट डॉग्स! लेकिन मेरा नीला है और तुम्हारा चमकदार लाल है। मेरा कहना है कि हमें अब खाना चाहिए। पर पहले कुछ सॉस में। मुझे बहुत सारा केचप डालना पसंद है। यह है एकदम सही हॉट डॉग। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे केचप हैं। मुझे और लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई कमेंट नहीं। अब मेरे नीले केचप की बारी। जो ईमानदारी से कहूँ तो मुझे थोड़ा डरा रहा है, पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे इसे खाकर देखना ही होगा। यकीनन अजीब लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? अरे मैं बिना बात के घबरा रही थी। अरे एम्मा, जरा अपने आप को देखो। मैं पूरी तरह से खुश हूँ और पूरी तरह से नीले रंग की हो गई हूँ। ओ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है या सच में यह टॉयलेट है? वास्तव में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या यह और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है? मुझे इसे ठीक से देखने दो। अब समझ में आया, यह पाउडर पॉपिंग कैंडी है जिसमें मैं अपनी सकर को डिप करूंगी। ओह, मेरी जीभ पर कितना मजेदार महसूस हो रहा है। किस्मत वाली हूँ कि मुझे दो सकर्स मिले हैं। मैं दुगना आनंद लूंगी। मैं देख रही हूँ कि ये तुम्हें काफी पसंद आ रहा है। तुम ऐसा कह सकती हो। मैंने अब भी शुरू किया था और यह खत्म भी हो गया। तो ठीक है, फिर मैं अपना ढक्कन उठाती हूँ। जैसा कि मैं सोच रही थी, मेरे पास नीला टॉयलेट है। मैरी, तुमने इसे फ्लश क्यों किया? इसके अंदर जो कुछ भी था वह सब खाली हो गया। मैं इस समस्या को ठीक कर सकती हूँ और कुछ बदला लेना चाहती हूँ। इस समय का इस्तेमाल करो यह सोचने के लिए कि तुमने क्या किया। तब तक मैं अपना सकर का आनंद लेती हूँ तुम्हारे कैंडी के साथ। और यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। चीजें मेरे लिए खराब शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ। मुझे कितने लंबे कैंडी स्ट्रिप्स मिले हैं। तुम किस्मत वाली हो। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा।
कमाल का है। और वास्तव में इसमें मुझे ड्रमस्टिक की याद आ रही है। जारी रखो मैरी। यह कमाल का था, बहुत बढ़िया, तुम सबसे अच्छी हो। यह बहुत ज्यादा हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अब तुम अपने डिश को देखो। ओके। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मुझे नीले रंग की कैंडी स्ट्रिप्स मिले हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे स्वादिष्ट हैं। यह सबसे अच्छा दौर था। यह क्या? एमा, अपने प्लेट को देखो, यह जिंदा है। यह डरावने सपने की तरह है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ताजा स्ट्रॉबेरी मिले हैं। अब यह बहुत अच्छा है, ये पूरी तरह से पके हुए दिख रहे हैं और इसकी गंध दिव्य है। मुझे वास्तव में बहुत जलन हो रही है। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। मेरे स्ट्रॉबेरीज टुकड़ों में कट गए हैं और एक मास्क बन गया है। अब मैं एक ही समय में नाश्ता और आराम दोनों कर सकती हूँ। अच्छी तरह से किया। आशा करती हूँ कि मुझे भी स्ट्रॉबेरी ही मिले। और मेरी इच्छा पूरी हो गई। पर मुझे लगता है कि इन सुंदर फल से मैं अपने लिए एक बेरी स्मूथ बनाऊंगी। क्या मुझे ब्लेंडर मिल सकता है? धन्यवाद। थैंक यू। इन सबको इसके अंदर डालें और ढक्कन को बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। अब इसे पूरे पावर के साथ चालू कर दिया। हो गया एक नीला कॉकटेल। तुम्हें मानना ही होगा कि यह सुपर सुंदर है। मेरे पास तो तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। अद्भुत। अब बस केवल चक्कर ही देखना बचा है। तुमने शायद ऐसा कुछ पहले कभी नहीं चखा होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह नीले स्ट्रॉबेरी शानदार है। क्या सच में? ठीक है, फिर तो हम चीजों को थोड़ा गर्म करें। चलो देखते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। यह इतना तीखा क्यों है? मदद करो कोई, आग! मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं इस बार पहले जाऊंगी। नीला गुलाब, वे सुंदर है और इसे खा भी सकते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कितने प्यारे हैं। मैं इन्हें खाने में बुरा महसूस कर रही हूँ, पर उससे मैं रुकूंगी नहीं। चीनी की तरह। क्या मैं भी एक ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर मैं अपना देखूंगी कि मेरे पास क्या है। असली लाल गुलाब, बहुत बढ़िया। मुझे भी ऐसा ही गुलदस्ता चाहिए था। माफ करना, पर यह मेरा है। तुम क्या कर रही हो मैरी? मैं अपने फूलों की देखभाल कर रही हूँ ताकि वह लंबे समय तक सुंदर और ताजे रहें। मैं बस आगे बढ़ूंगी और अपने लिए एक ले लूंगी। हाथ हटाओ। ठीक है, मैं समझ गई। मैं दोबारा कोशिश भी नहीं करूंगी मैरी। हाँ, यही ठीक होगा। कैंडी जेल। मुझे भी कुछ मिला है, केवल लाल। मुझे यकीन है कि यह चेरी के स्वाद का है। वाह, हमारे चम्मचों को देखो, ये अब और भी बेहतर हो गए। और जेल पूरी तरह से उनके साथ मेल खाएगा। ये कितने अच्छे तरीके से बाहर आ रहे हैं, इसलिए मैं रोकना नहीं चाहती। करना है, मैं खुद को रोक नहीं सकी। और तुमने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने नहीं किया है, मैंने तो बस थोड़ा सा स्वाद चखा था।
और अब मैं अपने चेरी जेल को चख कर देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वास्तव में इसके लिए मुझे अपनी चम्मच की जरूरत है। मैं इसे बाद के लिए बचा कर रखती हूँ। मैगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिसे तुम मना नहीं कर सकती हो। क्या तुम मेरा जेल चेक कर देखना चाहती हो? हाँ, इससे मुझे खुशी होगी। मुझे भी ऐसा लगा था, पर मैं जो तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने वादा किया था। लेकिन यह नीला है। तुम बहुत प्यारी हो एमा, धन्यवाद। ओह, लेकिन यह नहीं है। मुझे लगा कि यह तुम्हें पसंद आएगा। तो एक साथ। टैफी कैंडी। वाओ, तुम सही हो, स्वादिष्ट। मैं सबसे पहले इसे खाने के लिए तैयार हूँ। जरा देखो कितना सारा है और इसके साथ मीठे जेल भी हैं। पहले पहला काम, सारे रैपर गए बाहर। अब ठीक है और अब हम शुरू कर सकते हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये जेल किस स्वाद का है, लेकिन वास्तव में मुझे ये पसंद है। इससे मुझे किसी चीज की याद आ रही है, लेकिन क्या? शायद पारदर्शी ग्लू। देखते हैं कि तुम उसके बाद प्लेट से अपनी कैंडी निकाल पाती हो कि नहीं। ओह, यह जानने की कोशिश में समय क्यों बर्बाद करना है, जबकि मैं अपनी कैंडी खाना जारी रख सकती हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं। और अब दूसरा टुकड़ा। ओह, यह अटक गया है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। यह ठीक नहीं निकली। इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था मैरी। मुझे पता होना चाहिए था। ओह, शिकायत करना बंद करो। तुम तो मेरी भूख को ही मिटा दोगी और मैं भी इस प्यारी जोड़ी को चखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। लाल जेल और लाल स्ट्रेची कैंडी, ये दोनों बहुत ही स्वादिष्ट है। अब कुछ ही देर में तुम अपनी बात वापस ले लोगी। यहाँ तुम्हारे लिए लाल कैंडी का एक टुकड़ा है मैरी। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। मैं हर एक टुकड़े को खाने जा रही हूँ। रुको, कुछ यहाँ सही नहीं है। ये तो वो कैंडी नहीं है। अच्छा, क्या सच में मैरी? अब मैं सच में पागल हो रही हूँ। क्या आप इस वीडियो को देखना समाप्त नहीं करना चाहते हैं? तो फिर इन ब्लूपर्स को देखें। ये आपके आनंद को कुछ और सेकंड तक बढ़ा देंगे। जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तों।